नमस्कार, मैं हूँ प्रियेश। अभी आप देख रहे हैं नवरंग मीडिया। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदीप यादव जी, जो एक पुस्तक लिखे हैं माटी की थाती। तो सबसे पहले प्रदीप जी स्वागत है, और हम पहला सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि माटी की थाती जो पुस्तक है उसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एक किताब लिखले बने माटी की थाती नाम से, जो उनकी कुछ पूरी नहीं। हमारा किताब लिखी के ये उद्देश्य बा कि हमने के भोजपुरी भाषा में जो ना कि 40 करोड़ लोग बोले वाला बा, कि यहाँ ना है खाली भारत में ना है, विदेश में भी भोजपुरी बोलल जाला, तो एकरा से लोग दूर भैल जाता। हमारी कोशिश बा कि जो सभ्यता संस्कृति बा भाषा बा, ऐसे लोग दूर ना जा, भाषा से अपन जुड़ा रहो। देखा तनि कि जो भी डॉक्टर इंजीनियर या फिर IAS IPS ये सब लोग जो भी मतलब थोड़ा ज़्यादा हायर एजुकेशन ले लेता, तो वो लोग अपना ऐसी से मतलब नाता तोड़ देता है। कैसे कि भोजपुरी हमने के माई भाषा बाड़ी, तो माई भाषा के सम्मान कई हमने की जिम्मेदारी है, इस खातिर हमें पुस्तक लिखी है। अब जो पुस्तक है माटी की थाती, उसको लिखने का कहाँ से प्रेरणा मिला? भोजपुरी में जो किताब लिखले बनी, हमारा प्रेरणा भिखारी ठाकुर जी से मिला। कैसे कि भिखारी ठाकुर जी के भोजपुरी के प्रचारित करे में, प्रसारित करे में बहुत ज़्यादा योगदान रहे, यही से हम वहाँ से प्रेरणा लेके और बुक लिखले बने। जो भोजपुरी के श्रोता हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, भोजपुरी भाषा को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम ये निवेदन करें कि हमारी पुस्तक जौन बावे ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध बा, ऑनलाइन अमेजन पर उपलब्ध बा, तो वहाँ जाएं और पुस्तक की खरीदी और पढ़ें। ये हम अपना जो भी हमारा कस्टमर था, चाहे जो भी हमारे जाना था, ओकरा से ये आग्रह करें कि एक बार तो जरूर जाएं अमेजोन पर और सर्च करें माटी के थाती प्रदीप यादव, और वहाँ से परचेज करें। भोजपुरी भाषा के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं, भविष्य में भोजपुरी को आप कहाँ देखते हैं? हम भोजपुरी में के चाहते हैं कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में दर्जा मिलो, और अभी भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ गई बा, एक खातिर हम तो भोजपुरी जन जागरण अभियान चलाव तनि जा, कि भोजपुरी में अश्लीलता जन बढ़ल बा, एक हमके कमर कस लेल जा, तो खातिर भी पहल बा हमनी के भोजपुरी। हम चाहते हैं कि भोजपुरी के भी हायर एजुकेशन भोजपुरी में भी होके, भोजपुरी के भी प्रोफेसर बनस, भोजपुरी के भी लेक्चरर बनस, भोजपुरी के भी पढ़ाई होके सारा विश्वविद्यालय में, सारा विश्वविद्यालय भोजपुरी के अपना सिलेबस में शामिल करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत।